आप अपना घर बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो कहीं पे लेंटर तो नहीं डाल रहे, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। आजकल गांव के किसान मित्रों की जिंदगी में पूरी तरह से बदलाव आ गया है। हर किसी किसान मित्र को या उनके बच्चों को देख लो, वो शहर को भागने लगे हैं या शहर को फॉलो करने लगे हैं। जो भी काम करना है शहर वालों की होड़ मची है, उन्हीं की तरह करना है। अगर आप मकान बनाने जा रहे हैं तो भी मकान शहर जैसे बना रहे हैं, शहरों की तरह छत को लेंटर डाल के बना रहे हैं। अपने परंपरागत जो संस्कृति चली आ रही है उसको भूलते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, जो कि नुकसानदायक है। मैं बताता हूँ कैसे। अभी शहर के मकानों की तरह गाँवों में भी लेंटर डाल के छत तैयार की जा रही है, जिसका के हमने एक मिस्त्री से पूछा कि इसके सरिया जो होते हैं वो लोहे के फूल क्यों जाते हैं, लेंटर फूल क्यों जाता है। तो उन्होंने बोला कि शहर में तो क्या है कि मंजिल के ऊपर मंजिल, मंजिल के ऊपर मंजिल बनाते हैं, तो उसकी वजह से पानी का उसमें अंदर एंट्री नहीं हो पाती है, तो लंबे टाइम तक लेंटर चल जाता है। लेकिन गांवों में क्या है कि एक मंजिल या दो मंजिल बना के मकान को छोड़ दिया जाता है, तो उसमें पूरी तरह से पानी की एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से लेंटर फूल जाता है, उसमें पड़े फरिया फूल जाते हैं, जो कि बाद में लंबे टाइम तक नहीं चल पाते हैं। तो दोस्तों, आप पैसा लगा रहे हो, अनाप शनाप अपनी इनकम इतनी बड़ी मुश्किल से कमाई कर पा रहे हो, उसको बर्बाद कर रहे हो दूसरों की होड़ करके। तो गांव के मूल निवासी किसान मित्रों से मेरी दरखास्त है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप इतनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई को पानी की तरह बर्बाद मत करिए। आप जहां भी खर्चा कर रहे हो उसका पहले परिणाम देखिए कि ये आपको कितना नुकसान होने वाला है, पैसा आप खर्च कर रहे हो उसका। तो आप जरा सी डिजाइन की वजह से आप पुरानी परंपरागत चीजों को भूलते जा रहे हो, जबकि गांव के लिए पत्थर और लोहे के जो गाटर हैं या लोहे की लाइम्स जो हैं वही सक्सेस हैं। अगर आपको पत्थर या गाटर या लाइम्स गंदी लगती है, आपको डिजाइन चाहिए, तो उन्हीं में थर्माकोल फिट कराइए ना, आपका मकान ठंडा भी रहेगा, डिजाइन भी मिल जाएगी मन चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी बात से सहमत है तो नीचे कमेंट करके हमें लिखें। और दोस्तों, मैंने बीड़ा उठा चुका हूं के किसानों के फायदे के लिए हर एक जानकारी मैं लेके आऊंगा अपने चैनल पे। अगर आप किसानों का भला चाहते हैं, उनके सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करके यार दोस्तों तक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन दबा दें।